तो क्लास 10th के मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3, जिसका नाम है बहुपद। और प्रश्न संख्या 3 का हम इसमें आपको सोल्यूशन पूरा दिखाएंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे वो भी शेयर कर पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये तीसरा क्वेश्चन पूरा समझ लो अच्छी तरह से। पुराना वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो लास्ट में वीडियो दिखेगा यहाँ पर, उसको देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है उसको देख लीजिएगा, जब भी आपको ज़्यादा सही होगा समझने में। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, 3x4 प्लस 6x³ - 3 2x²-10x-5, ठीक है, कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी और भी इसके शून्यांक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यांक 5/3 करड़ी में है और -5/3 करड़ी में, दो शून्यांक दे दिया है और इसके जो शून्यांक बच रहे हैं उसको भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उसी को हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम इसको यहाँ से मिटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे क्या दिया हमारा, यहाँ पे एक सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र हो गया हमारा, और ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और अल्फा क्या दे दिया है, 5/3, और बीटा -5/3 आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। तो जो हमारा अल्फा है उसको यहाँ रखेंगे और जो बीटा है उसको यहाँ रखेंगे और इसको उतारते जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा की जगह पे क्या है, कड़ी में 5/3, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका क्या है, एक्स माइनस बीटा की जगह पे क्या है, माइनस कड़ी में 5, ठीक है, 3/5, इतना आपका हो गया। और इसको अभी के लिए हटा देते हैं और ये जो है ना इसको यहाँ पे उतार लेंगे, 3x4 प्लस 6x³ - 2x²-10x-5, ठीक है, इतना आपका उतर गया। अब इसको क्या करना है, इनको आपस में कूड़ा करना है, लेकिन उससे पहले ये कोष्टक हम तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ लीजिए, यक्स माइनस कड़ी में 5/3, ठीक है, ये हो गया। फिर x माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, कड़ी में 5/3, ठीक है, इजिकल टू 3x4 प्लस 6x³ - 2x²-10x-5, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझना है और प्यार से इस वीडियो को देखना है। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या है कि हमें इस कोष्टक को तोड़ना है, तोड़ने से पहले इसको गूढ़ा करना पड़ेगा। एक्स का एक्स में जब गूढ़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा x², फिर यक्स का इसमें गूढ़ा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कड़ी में 5/3 एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका काम खत्म। अब माइनस से कड़ी में 5/3 का करना है, तो माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, कड़ी में 5/3, तो कड़ी में 5/3 यक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कड़ी में 5/3 और 5/3 कड़ी, तो कड़ी का कड़ी से बुरा होता है तो कड़ी गायब हो जाता है और उसके अंदर की संख्या यहाँ पे उतर जाती है, तो 5/3 यहाँ पे हम उतार लेंगे, ठीक है। इजकल टू 3x4 प्लस 6x³ - 2x²-10x-5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, प्लस कड़ी में 5/3x माइनस कड़ी में 5/3x, ठीक है, दोनों सेम है ना, लेकिन इसके आगे की ये जो हमारा चिन्ह लगा हुआ है प्लस और माइनस, यानी घटेगा ना, देखिए सेम है तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, x² - 5/3, ठीक है, 3 इजिकल टू, ये सवाल उतार लेंगे, 3x4 प्लस 6x³ - 10x, ठीक है, 2x यहाँ पे रहेगा, 2x² - 10x और -5, ठीक है। तो अभी के लिए आपका इतना हो गया, लेकिन इससे पहले क्या है ना, यहाँ पे हमने नहीं दिखा था, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरह समझना है इसलिए, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको लिख सकते थे, अल्फा एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है, यहाँ पे साथ में लिखते जाना है आपको, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो इतना हो गया आप लोगों का, इसके साथ में लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, आपका एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इजकल टू 3x4 प्लस 6x³ - 2x²-10x-5। देखिए ये जो हमारा आया है ना, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको हम यहाँ पे बट्टे में लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इसके साथ में ना, तो जब इधर गुणा में है तो जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो x² - 5/3। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, कि इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे करना है, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बट्टे में दिया है तो भाग कैसे जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप भाग देंगे ना तो नीचे का 3 आपका कटता जाएगा, ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे मतलब होता है ना,
ये कटता जाएगा, आप आसानी से भाग दे लेंगे, तो भाग इसका दे लीजिएगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 3x² + 6x + 3, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपका सवाल यहाँ पे हल नहीं होता, अभी इससे और आगे बढ़ना है। चलिए उसको आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और मिटाने के बाद आपको आगे वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिटा लिया, और इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए भूल जाइए, नोट कर रहे होंगे आप लोग, नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीन शॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, +6x + 3, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड इसका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा गुणनखंड, निकालने से पहले आप इसको काम कीजिए, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्यों यहाँ पे 3 है, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है, ठीक है। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसका गुणनखंड आपको निकालना है, तो 3x² और यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 एकम में 1 और 1 एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। x² + x + 1, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन होगा उसको आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका यक्स और यक्स प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 और यक्स प्लस 1 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए x + 1 x + 1 एक साइड लिखते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3x + 1 और ये वाला यक्स और यक्स प्लस 1 लिख लिया हमने, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे साइड में चलते हैं, अब 3 को आप माइंड से निकाल लीजिए, ठीक है, 3 से भी कोई मतलब नहीं है। तो x + 1 = 0 ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, वो भी x + 1 = 0 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x = जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो गया। तो एक तो आपका ये निकल गया शून्यांक, और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 है तो ये +1 भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 दूसरा ये निकल गया। इसका दूसरा और इसका जो और भी शून्यांक है वो कौन से हैं, ये वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके अन्य शून्यांक बराबर यहाँ पे -1 और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर मेहनत मेरा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था।